जय हिंद। जो भारत के भूगोल जियोग्राफी ऑफ इंडिया के जो क्लास नंबर फोर्थ को देखेंगे, जो भारतीय मृदा मृदा के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, जो महेश कुमार ओनवाल के बुक को कैप्चर कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सार संग्रह ऑनलाइनर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन को कैप्चर किया गया है, जो एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं मृदा जो सॉलिड, जो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण देखेंगे पहले, जो किस किस उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजक तथा अवस्थितियों के आधार पर जो मिट्टी के प्रकार देखते हैं। पहले जलोढ़ मिट्टी मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीला मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा और पीट मृदा, वन्य मृदा। इस प्रकार कुछ जो उत्पत्ति, रंग, संयोजक, अवस्थितियों के आधार पर जो मिट्टी को अलग अलग नाम दिया गया है, जो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीला मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा और लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन्य मृदा, जो इस प्रकार के कुछ मिट्टी के प्रकार हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं मृदा। मृदा शब्द, जो मिट्टी के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श होता है, जो नीचे रहता है, फ्लोर। भारत में स्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा, जो जलोढ़ कछारीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ या कछारीय मृदा भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। रेगुर मृदा किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो काली मृदा को ही रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा की स्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जो महाराष्ट्र में है। रेगुर मृदा सबसे अधिक मात्रा में जो महाराष्ट्र में मिलता है। मालवा का पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? जो काली मृदा में, काली मृदा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। काली मृदा में स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। काली मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसे सिंचाई के लिए कम आवश्यकता पानी की होती है। जो मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कपास उपजाऊ किया जा सकता है। मिट्टी का पीला रंग जो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि लाल रंग जो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा जो मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? लेटेराइट मृदा जो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है? जो लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा मिट्टी में क्षारीयता अधिक हो जाता है तो उसमें जिप्सम की मिलावट किया जाता है, जिससे क्षारीयता कम किया जाए। लेटेराइट मृदा जो भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो मलबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। मलबार तटीय प्रदेशों में जो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। सबसे कम जल धारा क्षमता किस प्रकार की मृदा होती है? जो बलुई डोमोट मिट्टी में जल धारा सबसे कम क्षमता होती है। पौधे का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? जो चिकनी मृदा से पेड़ पौधे के सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? जो दलहने फसल। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो उसमें दलहनी पौधे उगाई जाती है। जो लाल और पीला मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, जैव पदार्थ की कमी होती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? जो अनावलिक अपवर्धन के कारण से हुआ है। चाय बगवानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? जो लेटेराइट मिट्टी होती है। चाय बगवानों के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। डोमट मृदा में कौन सा कण पाए जाते हैं? जो गाद मृतिका और रेत पाए जाते हैं। गाद मृतिका और रेत जो डोमट मिट्टी में पाए जाते हैं।
भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है? भारत के मिट्टियों में किसकी सबसे अधिक कमी होती है? जो जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है जो बागड़। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को जो बागड़ कहा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? जो लाइमन एवं चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? क्षारीय मृदा जो उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में पाया जाता है। लवणीय मृदा एवं नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता मानी जाती है। जो लवणीय मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन और चूने की सबसे कम मात्रा मानी जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? जैव मृदा का रंग जो नीला किस कारण होता है? जो अम्लीय फेरस आयन के कारण कम होती है। अम्लीय आयरन के कारण कम होती है। पश्चिमी राजस्थान में मृदा की किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? जो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? जो कैल्शियम की। मेरुस्थलीय मृदा को किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है? जो नाइट्रोजन की सबसे अधिक अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? जो वनारोपण कर जो मिट्टी की कटाव हो रही है वो वनों में उसको किस प्रकार रोका जा सके? जो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, जो वनारोपण करके रोका जा सकता है। आइए पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति के बारे में जानेंगे। जो पीएच मान इसमें देखेंगे मिट्टी की प्रकृति, जो एक से छह तक का रहेगा जो अम्लीय मिट्टी कहा जाएगा, 7 को उदासीन मिट्टी कहा जाएगा और 8 से 14 को जो क्षारीय मिट्टी कहा जाएगा। इस प्रकार जो अम्लीय पीएच मान को देखें, जो 1 से 6 को अम्लीय कहा जाता है, 7 को उदासीन कहा जाता है, 8 से 14 को जो क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग भारत के मृदा को देखें जो वर्गीकरण के आधार पर और इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू से आपके क्वेश्चन को कैप्चर किए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।